हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैक इंडिया टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दीहू रोड्स, जो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यूनिट वहाँ पे है, वहाँ के बारे में। वहाँ से एक अप्रेंटिस एक्ट की भर्ती आई हुई है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और देख रहे हैं कि आयुध निर्माण दीहू रोड्स जो दे दिया गया है यहाँ पर। तो जैसे हम लोग इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाएंगे और इसका जो नोटिफिकेशंस दिया गया है जो एक्ट अप्रेंटिस के लिए, उस चीज़ को देखते हैं और उस एक्ट अप्रेंटिस में किन किन के लिए भर्ती आई हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, जाते हैं अभी उसका नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि क्या क्या उससे रिलेटेड जानकारी है, उसको देखेंगे। तो देख पा रहे दोस्तों, अभी इसका हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दीहू रोड्स के बारे में दिया गया है और इसका ये ईमेल आईडी है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, अभी हम लोग देखेंगे कि लिंक क्या है उसके बारे में। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे कि जो एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है, ये प्रैक्टिकल फ्रेशर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन इन केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जनरल स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर्स। यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो डिप्लोमा या डिग्री किए हैं, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड ब्रांच के लिए ही ये एक्ट अप्रेंटिस निकाला गया, जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए निकाला गया। और ये 1 साल का जो है ट्रेनिंग पीरियड होगा, यानी कि एक्ट अप्रेंटिस होगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में जो सीट जो है क्या क्या सीट दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, ग्रेजुएट के लिए है 78 सीट जो है दिया गया है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल्स, इंफॉर्मेशन एंड जनरल, ये सारे जो है डिप्लोमा और ग्रेजुएट दोनों के लिए है। तो डिप्लोमा के लिए जो है 27 सीट निकाला गया है और ग्रेजुएट के लिए 78 सीट निकाला गया है। तो अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग जो नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी कि वैकेंसी, वो अलग ही है। तो अब इस पर क्या क्या मांगा जा रहा है, तो जैसे कि जो कैंडिडेट डिग्री किए हैं और जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं, वो डिप्लोमा के लिए अप्लीकेबल होंगे और जो डिग्री किए हैं डिग्री के लिए होंगे। आइए दोस्तों, और आगे देखते हैं कि इसमें स्टेफन की बात क्या है और स्टेफन क्या मिलेगा। तो स्टेफन आपको इसमें देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए जो है 9000 पर मंथ मिलेगी और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो है 8000 पर मंथ मिलेगी। और सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन की बात यहाँ पे जो मार्क्स के हिसाब से नहीं बनेगा, यानी कि जो आपका मार्क्स आएगा उसके आधार पर आपको फाइनल ईयर का जो एग्जामिनेशन था, यानी कि CGPA, उसके हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के ही आधार पे आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और यहाँ पे एक चीज़ डार्क लाइन पे मेंशन कर दिया गया, जो कि बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बात हो रही थी यहाँ पे कि जो कैंडिडेट जो फ्रेशर पास आउट हैं वही एलिजिबल होंगे और जो कैंडिडेट जॉब एक्सपीरियंस है या कहीं से अप्रेंटिस किए हैं, वो इस आवेदन को आवेदन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और आगे देखते हैं फिर, और इसको भरना कैसे, यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन कर दिया गया कि जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो अपना बायोडाटा के साथ और जो भी उनसे रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसका जेरोक्स कॉपी जो है लगा के, और सेल्फ अटेस्टेड यानी कि ड्यूली अटेस्टेड विद ग्रेजुएट ऑफिसर, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट ऑफिसर से जो अटेस्टेड कराने के बाद उसको इनवेलप में भरने के बाद इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। इसमें कोई ऑनलाइन की माध्यम नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन ही है, आपको ऑफलाइन के ही माध्यम से इस फॉर्म को भेजना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा जो एक्ट अप्रेंटिस आई थी उसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वे इस एक्ट अप्रेंटिस को आवेदन कर सकते हैं। और ये एक्ट अप्रेंटिस बहुत ही दिनों के बाद आई है, इसे भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भर्ती अभी बहुत दिनों से नहीं आई हुई है। 2011 में भर्ती इसकी आई थी, 2011-12 में अभी तक इसकी भर्ती रुकी हुई है। तो जो एक्ट अप्रेंटिस किए हुए रहेंगे, हो सकता है मे भी उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो ज़रूर आवेदन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।